बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटा माइनिंग। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर इन दिस लेक्चर सीरीज, एंड इन दिस आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स ऑफ डेटा माइनिंग। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू माय ऑन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ शहजाद, शहजाद अली, and I am working as lecturer in IT and Department of Information Sciences at University of Education Lahore. I have done my MS in Computer Science with major in Data Science from University of Engineering and Technology, UET Lahore. So as far as the prerequisites of this course, the concepts of stats and probability and the database systems, as well as the idea or the knowledge of programming fundamentals, will help you in the successful completion of this course. And agar hum course objectives ki baat kare to is course mein hum obviously first of all discuss karenge ki some basic concepts of data mining, as well as डेटा माइनिंग के कौन कौन से टेक्निक्स, मेथड्स, एल्गोरिदम कौन कौन से अवेलेबल हैं, एंड डेटा माइनिंग को हम कहाँ पे, किन एरियाज़ में, किन फील्ड्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और डेटा माइनिंग की कौन कौन सी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। सिमिलरली आफ्टर दैट हम बात करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स की। मीन्स के जब हम कोई डेटा सेट लेते हैं और उसके ऊपर डेटा माइनिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सो मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा आपका इस फॉर्म में नहीं होता कि उसके ऊपर डायरेक्टली, या डाटा की क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि हम उसके ऊपर डायरेक्टली डाटा माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करें एंड कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो हमारे पास सामने आए, कोई नॉलेज, कोई पैटर्न्स कोई एक्सट्रैक्ट करें, एंड उनसे कोई हम उस बिजनेस के लिए, उस फील्ड ऑफ स्टडी के लिए हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डाटा क्या होता है, नॉइजी डाटा होता है, ठीक है। डाटा की क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, डाटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, डाटा को ऐसी फॉर्म में लाना पड़ता है कि डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो हम डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वेज़ हैं कि इसको, डाटा को क्लीन किया जा सके, डाटा की नॉइज़ को रिमूव किया जा सके, डाटा की डायमेंशनैलिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके, एंड सिमिलर टाइप ऑफ टास्क। सो जब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स के ऊपर, तो हम इन सारे टेक्निक्स और मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली हम बात कर रहे होंगे समरी स्टैटिस्टिक्स की, कि आप डाटा आपके पास सामने आ जाता है तो डाटा को देखते हुए उसको कैसे, उसकी नेचर क्या है, डाटा की समरी क्या है, डाटा का कौन सा एट्रीब्यूट कितना कोरिलेटेड है उसके दूसरे एट्रीब्यूट के साथ, या कितना डिपेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की उसकी क्लास के साथ या उसके आउटकम के साथ। सो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस या दीज टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हम देखेंगे इन समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डेटा सेट्स। एंड देन हम बात कर रहे होंगे कि फ्रिक्वेंट पैटर्न्स या फ्रिक्वेंट आइटम सेट जनरेशन की, एसोसिएशन रूल माइनिंग की, कोरिलेशंस की। मीन्स के अगर किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में कोई एक सर्विस या कोई एक प्रोडक्ट लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसके साथ और कौन सी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज लोग उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। बीच प्रोडक्ट्स में, आइटम्स में कोरिलेशन फाइंड करना, एसोसिएशन फाइंड करना, या किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से इवेंट्स ज़्यादा अकर हो रहे हैं, सो वो कैसे फाइंड करना है बाय जस्ट लुकिंग एट द डेटा सेट। सो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड फ्रिक्वेंट आइटम सेट जनरेशन के अंदर। आफ्टर दैट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड क्लस्टरिंग, जो कि डिफरेंट टेक्निक्स कह सकते हैं आप लोग, या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डेटा माइनिंग की। क्लासिफिकेशंस है, प्रेडिक्शन है, एंड क्लस्टरिंग। सो इनके डिफरेंट कौन कौन से एल्गोरिथम्स आपके पास अवेलेबल हैं डेटा माइनिंग के अंदर। सो इसके साथ हम कुछ प्रोग्रामिंग जो आपने अभी तक पढ़ ली हुई है अपने प्रीवियस कोर्सेज में, सो वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दीज एल्गोरिथम्स इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक पाइथन अवेलेबल है आपके पास, विच इज़ मोस्ट फेमस एंड सूटेबल फॉर डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स। एंड अगर इस कोर्स को मैं, इसको
पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो एक्चुअली दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू फोर मेजर कंपोनेंट्स या फिर फोर मेजर टॉपिक्स. दिस फर्स्ट वन इज डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मीन्स के इसके फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे होंगे डेटा माइनिंग के, इनको का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक या फंडामेंटल जो उसकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात कर रहे होंगे. ओके, इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमें डेटा सेट मिलता है वो डेटा सेट के बारे में, डेटा सेट होता क्या है, डेटा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, डेटा सेट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, डेटा सेट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे. सिमिलरली फिर इसी मॉड्यूल के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि डाटा प्रीप्रोसेसिंग टेक्निक्स की बात करेंगे एंड समरी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे. सो जो इसका सेकंड मॉड्यूल या सेकंड मेजर टॉपिक है इस कोर्स का डेटा माइनिंग का, वो है एसोसिएशन रूल माइनिंग या एसोसिएशन या पैटर्न डिस्कवरी. सो इसमें फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग, एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस की हम लोग बात करेंगे. एंड देन हम देखेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग एक मेजर एरिया ऑफ स्टडी है ऑफ डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एनवायरनमेंट, फील्ड ऑफ द मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा या रिग्रेशन के बारे में सुना होगा. तो हम इस सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस डेटा सेट के ऊपर आप क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड किस डेटा सेट के ऊपर या किस प्रॉब्लम में आप लोग रिग्रेशन यूज़ करें. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डेटा माइनिंग कोर्स इज अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड इसमें हम क्लस्टरिंग की बात कर रहे होंगे और डाटा की सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर डाटा को डिस्टिंग्विश या उसको ग्रुप या उसको क्लस्टर करने की बारे में हम लोग देखेंगे. और जहाँ तक इस कोर्स के रेफरेंस मटेरियल या रीडिंग मटेरियल की बात है, तो इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम स्लाइड्स यूज़ करेंगे या जो मैं कंटेंट्स डिस्कस करूँगा, वो मोस्ट ऑफ द केसेस इस बुक से लिए गए होंगे जो कि डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, विच इज़ रिटन बाय जेव हैन. और इस बुक का थर्ड एडिशन हम यूज़ करेंगे एंड दिस बुक इज़ पब्लिश बाय मॉर्गन कॉफमैन. इसके अलावा डेटा माइनिंग की एक बहुत और अच्छी बुक है जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग के नाम से है, जो कि जिसका राइटर विपिन कुमार. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स ओवरव्यू. हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स विच इज़ डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो थैंक यू.